मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल। तो आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है क्योंकि जिस चीज़ का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था फाइनली आज वो होने वाला है। आज मेरा लाइफ का पहला रोड ट्रिप होने वाला है, वो भी आसपास नहीं, डायरेक्टली लद्दाख। और ये मेरा लाइफ का पहला फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेके आज हम लोग को निकलना था लगभग 5 बजे, लेकिन भैया लोग बहुत लेट कर चुके हैं। लगभग हम लोग अभी 6 बज चुका है और अभी तक हम लोग निकले नहीं हैं। तो डायरेक्टली आपको मिलते हैं हम लोग बाइक पे। 2000 years later तीनों पूरा एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तीनों पूरा जोश में। लोग फर्स्ट टोल गेट पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा रोड था, हमें जल्दी पहुंच जाएंगे लगता है, ऐसा रोड रहा था। इसमें सूरज भैया और अभिषेक भैया राइड कर रहे हैं, ये अनुज भैया का NS पूरा ट्रक लेके जा रहे हैं, और ये है अपनी डोमिनार, इसमें मैं और आलोक भैया जा रहे हैं। अभी हम लोग चौपारण पहुंच चुके हैं। चौपारण में बस टी ब्रेक हुआ था, हो चुका है। अब हम लोग, अनुज भैया का कहना है कि हम लोग 7 बजे तक पहुंच जाएंगे दिल्ली। हाँ एकदम, पूरा कोशिश रहेगा कि 7 बजे तक, कल सुबह तक हम लोग पहुँच जाए दिल्ली। कहीं रुकना नहीं है, सोचे थे कानपुर रुकने का, लेकिन अब सोच रहे कि दिल्ली ही होल्ड करते हैं। कल दिल्ली पहुंच के फिर दिन भर रेस्ट करेंगे, परसों मनाली। सब पूरा जोश में है, लगता है कि पहुँच ही जाएंगे आज हम लोग। वो सबसे इंटरव्यू करवा देता हूँ। ये है सूरज भाई, चेहरा देख लीजिए, जाने माना चेहरा है रामगढ़ का। ये है अपने अभिषेक भैया, हाय, इनको तो सब जानते ही होंगे, अनुज भैया। और ये है रांची राइडर आलोक। A few inches later, चाय ब्रेक हो गया है और टाइम लगा क्योंकि उनका लगेज अभी तक ठीक से बंधा नहीं था। तो हम लोग चौपारण से निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चिकन बिरयानी बन जाएंगे, ऐसे ले जा रहा है, बस पैर ऊपर लग गया ना, आदमी लोग चल ही जाएगा। यहाँ पर हम लोग अभी फील्ड अप के लिए रुके थे, अनुज भी आगे चल गए देखने पर, पीछे पीछे आ रहे थे तो फील्ड अप हो गया। पानी सब भी ले चुके हैं, फाइनली हम लोग गंगा नदी पहुँच चुके हैं वाराणसी। लेकिन यहाँ पर आते ही देखे एक्सीडेंट हो चुका है।
बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है पुल के ऊपर ही। कैसा एम्बुलेंस है यार, ट्रक दबा के चल दिया। अरे यार, ओवरटेक कर रहा था ना बाइक में तो क्या। हाँ वो देख नहीं रहे बाइक का हालत। एम्बुलेंस कॉल किया बाइक का हालत तो पूरा खराब हो चुका है। तो हम लोग वाराणसी पहुँचे, यहाँ सोचे गंगा मैया का दर्शन लेंगे, लेकिन यहाँ तो पहुँचते ही बाइक का हालत। वाराणसी पे हम लोग रुके थे ढाबे पे लंच करने के, और लंच हो चुका है हम लोग का। तो अपना अपना बाइक देख रहे हैं, कुछ ख़राब नहीं हुआ है। तो आज हम लोग पता नहीं कितना कवर कर पाते हैं, अभी तक हम लोग 300 कुछ कवर किए, लगभग 400 किलोमीटर। आगे देखते हैं कितना किलोमीटर कवर कर पाते हैं। A few inches later. हम लोग अब डायरेक्ट दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। देख रहे हैं मौसम कैसा हो चुका है, चारों तरफ काले काले बादल। मज़ा आ रहा राइड करने में, मौसम तो पूरा ख़राब कर दिया। Midnight. तो गाइस सुबह से राइड करते करते रात हो चुकी है, और हम लोग इस ढाबे पे गए थे जिसका नाम है ग्रीन प्लाजा। और अभी हमने डिनर किया और इतना ज़्यादा थक चुके थे सब कोई कि जहाँ जाकर मिला वहाँ सो गया। देखते दो भैया यहाँ पर सोए हैं, अभिषेक भैया और सूरज भैया, और अनुज भैया वहाँ पर बेंच लगा के सो गया, कहाँ पर खोचा तरफ सो गया है। और उधर तो आलोक भैया तो और खोचा में कहाँ बेंच लगा के सोए हैं। और मैं सामान सबका था रखवाली कर रहा हूँ, जब भी लोग उठेंगे तब मैं सोऊंगा। तो यहाँ से लगभग दिल्ली और 600 किलोमीटर हम लोग कल शाम में पहुँचेंगे, तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है क्योंकि सुबह से राइड कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब दबा के कर दीजिएगा, क्योंकि लद्दाख की वीडियो आने वाली है। और बाय गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट फ्रेश ब्लॉग पे।